दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहां भी होंगे एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी का परचम लहरा रहे होंगे। दोस्तों आज हम अपने न्यू प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल देने जा रहे हैं, जो कि माननीय श्री हमारे ग्रेट लीडर राहुल वर्मा सर के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा। और कंप्लीट न्यू प्लान एक एक पॉइंट पर सारी डिटेल एक बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने प्रेजेंट किया है। और इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि एक एक पॉइंट पे सारी जानकारी आपको नहीं होगी तो आपको भी कंफ्यूजन होगा, परेशानी होगी, अपनी टीम को भी आप गाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखिएगा और वीडियो कंप्लीट देख के आप अपनी टीम में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे सभी को अवेयरनेस हो, सभी को जानकारी हो कि राहुल भारद्वाज जी, हमारे CMD माननीय राहुल भारद्वाज जी सर न्यू प्लान पर क्या लेके आए हैं और उसके ज़रिए हमारी कितनी अच्छी इनकम होने वाली है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए स्किप मत करिएगा। और फर्स्ट टाइम जो भी हमारे चैनल पर विज़िट कर रहा है उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे चैनल पर आने के लिए। और प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिसके कारण आपको ऐसे ही शानदार ज़बरदस्त अपडेट वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम वीडियो की ओर। आपका एडीएस में दिल से स्वागत है। अब एडीएस मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ऐसा नाम नहीं है जो नया हो। अगर कोई आज तक एडीएस में ज्वाइन नहीं भी हुआ है तो भी वो इस नाम से जान सकता है। मार्केट में जब कोई न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू कंपनी जब इंट्रोड्यूस होती है, जब आती है, अपने कदम रखती है, तो हम लोग देखते हैं कि हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसे बताने के लिए, क्योंकि उसका कोई पास्ट नहीं होता, इतिहास नहीं होता। लेकिन ऑलरेडी एडीएस एक ऐसा ब्रांड है जिसको आप किसी को भी बताएंगे तो उसका ऑलरेडी पास्ट है, ऑलरेडी अचीवर्स हैं, उन्होंने बहुत मजे लिए हैं। मैं तो सही बता रहा हूँ, शॉक रह जाता हूँ, ग्रुप्स में मैं हूँ, मतलब इतना एंजॉय करते हुए, लाइफ को इतना एंजॉय करते हुए लोग वीडियोज अपने शेयर कर रहे हैं, जो पिछले दोस्त इतनी अच्छी मेमो संभाल के रखी है। मैं आज ही देख रहा था इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास भी आए होंगे, चाहे वो सेमिनार्स के हो या फिर कोई टूर्स वगैरह के जो अचीवमेंट्स वगैरह लेकर प्लेयर्स वगैरह जाते हैं, वो सारी चीजें। वाकई में दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एडीएस ही एक ऐसा ब्रांड है, एडीएस ही एक ऐसी कम्युनिटी बना पाया है जिनके पास यादें हैं और अचीवर्स की गिनती लगा दी, मतलब गिन नहीं पाएंगे, लाइन लगा दी। तो यहाँ पर आप किसी को भी बताएंगे ना तो ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इसका एक बहुत ही सक्सेसफुल पास है। लेकिन अब हम लोग फ्यूचर उससे भी बेहतरीन बनाने वाले हैं। ओके, अबाउट प्लेटफॉर्म एंड रोड मैप, इसी के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। अबाउट उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इतनी देर जो बता रहा था वो इसी के बारे में बता रहा था। ऑलरेडी शर्मा सर और जीवी भंडारी सर ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं, ठीक है। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे राहुल भारद्वाज जी, प्यारे राहुल भारद्वाज जी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया है और अभी भी लगातार ये इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, जितनी भी MLM या इस इंडस्ट्री के अंदर कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर आती है और 99.99% जो कंपनीज या मार्केट में आती है, सिस्टम मार्केट में आते हैं, उनका कोई विजन या मिशन होता नहीं, उनका कोई प्रोजेक्ट भी नहीं होता है। जैसा कि मैं यहाँ कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट, उनका कोई प्रोजेक्ट भी नहीं होता है, महज PDF और एक वेबसाइट के साथ में वो मार्केट में अपने कदम रखते हैं। आपकी कंपनी, सही सुना आपने, समझ में आया कि सिर्फ PDF और वेबसाइट बनाने से कोई भी सिस्टम कंपनी नहीं बन जाता। आजकल आप देखेंगे कि कंपनी नहीं, मानो हलवा हो गया है, कोई भी आता है और मार्केट में लेकर आ जाता है, समझ रहे हो बात, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोशिश करना, पहल करना गलत, लेकिन आप जो ऑलरेडी एक अच्छे मिशन विजन के साथ आ रहे हैं, अच्छे नियत के साथ आ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं, और एक नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्लेटफॉर्म, ठीक है, एवरी प्लेटफॉर्म हैव करियर अपॉर्चुनिटी, और हर एक प्लेटफॉर्म आपको एक करियर की अपॉर्चुनिटी देने वाला है। जैसे एडीएस ग्रुप अभी एक न्यू अपकमिंग अपना प्रोजेक्ट है, प्लेटफॉर्म है, जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है। एडीएस कॉइन जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमारा एक कॉइन है, जो क्रिप्टो का एक प्रोजेक्ट है, बंडल पे हो गया, आप सभी लोग
जानते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, हम सब हर एक एंड्रॉइड फोन के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई शायद ही फोन हो जिसके अंदर ना हम सब यूज करते हैं। वहां पर भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बोधनम हो गया, एजुकेशन सेक्टर के अंदर तो सिर्फ शुरुआत, इको सिस्टम, कोई भी प्रोजेक्ट की मना है ही नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म की मना नहीं है। आपको सारे के सारे प्लेटफॉर्म, सुबह मॉर्निंग से उठकर रात को हम जब तक सोते हैं, तब तक जो चीजें हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, अब वो फिजिकल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर आपकी सर्विसेज भी आ गई, ऑल ओवर सारी चीजें, चाहे आपका टाइम पास हो, चाहे आपको एजुकेशन लेनी हो, चाहे आपको करियर बनाना हो, चाहे आपको पैसा बनाना हो, कुछ भी जो हम दूसरी जगह यूज करते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वो सारी इस इको सिस्टम के अंदर आने वाली है। और ऑलरेडी ये जो प्लेटफॉर्म है वो अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के बीच में है, सक्सेसफुल चल रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं प्लेफोरन या न्यू अपकमिंग प्लेटफॉर्म है जो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर है। यहाँ पर आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में ऑलरेडी सर बता चुके हैं, बंडल पे, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की तरह, ये सारे प्लेटफॉर्म जब आए थे लोगों को रेफर का पैसा देते थे, कमीशन भी देते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी कम्युनिटी बढ़ी, इन्होंने ये सारे रेफर और कमीशन देना बंद कर दिया। लेकिन बंडल पे इकलौता मार्केट के अंदर एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आज भी कई शॉपकीपर अपना घर चला रहे हैं, कई लोग इसे यूज कर अच्छा खासा कमीशन ले रहे हैं। 20 से 25 लाख, 30 लाख पर डे के ट्रांजेक्शन, पर डे के रिचार्जेस इस प्लेटफॉर्म से होते हैं। ओके, बोधनम, बोधनम एजुकेशन सेक्टर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास फोटोज भी होंगे और वीडियोज भी होंगे, राहुल सर को तो सम्मानित तक किया गया है, कितने ज्यादा इसके यूजर्स हैं बोधनम के। सिर्फ मैं 10 रुपए के अंदर आपको एजुकेशन कोर्सेज प्रोवाइड कराने वाला इंडिया का इकलौता सबसे कम टाइम में सक्सेस होने वाला प्लेटफॉर्म बोधनम। ओके, बंडल प्ले, ओटीटी प्लेटफॉर्म, आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल लोगों का मूवीज की तरफ से क्रेज घटने लगा है, और नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजोन आप देखते होंगे, यहाँ पर प्राइम वगैरह पे लोग अपने सीरियल वगैरह देखते हैं। आवाज क्लियर है सर, क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। इसके बाद नेक्स्ट मैक्रो बाजार की बात करें तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग शॉपिंग्स वगैरह मार्केट में जाकर बहुत कम करते हैं, हर एक चीज को ऑनलाइन अपने घर बैठे ही ऑर्डर करते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो आपके इकोसिस्टम के अंदर मैक्रो बाजार भी एक ऐसा लाइव प्रोजेक्ट है जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। और जो लोग जयपुर से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते भी होंगे, एक नहीं बल्कि दो आपके सुपर मार्केट आज भी लाइव है। ओके, इसके बाद अभी जो हमारा एक न्यू प्लेटफॉर्म, अभी मैंने आपको कहा एक हॉट प्लेटफॉर्म प्ले फॉर अर्न, ठीक है, ये गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर आया, गेमिंग इंडस्ट्री से लिया हुआ, उससे इंस्पायर्ड होकर प्ले फॉर अर्न को हम लोग 5 तारीख को सभी इसको लॉन्च करने वाले हैं। हम सभी लोग इसको दुनिया को बताने वाले, बहुत आ चुका है। यहाँ पर क्या होगा, ये इस बार एरिया का एक बेस प्लान होने वाला, समझ रहे हो आप, बेस प्लान यानी कि किसी भी बिल्डिंग या किसी के भी हम बेस को मजबूत करते हैं, फिर उसके ऊपर चाहे कितनी ही बिल्डिंग या कितनी ही ऊंची इमारतें बना ले। तो यहाँ पर ये बेस प्लान क्यों होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में देखिए, अगर आप कुछ लोग अभी कहेंगे क्रिप्टो का है तो मैं कहूंगा सॉरी दोस्त, अभी क्रिप्टो का ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज के 10 साल पहले जो लोग कहते थे, ठीक है, उस टाइम पे क्रिप्टो का ट्रेंड था। आप खुद, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मीटिंग लंबी हो जाएगी, कि बिटकॉइन की शुरुआत कैसे हुई थी, बिटकॉइन कितने पैसों में आता था, फिर उसके बाद ऑल्टकॉइन कैसे थे। तो यहाँ अभी उस टाइम पे अगर हम लोग आते तो बहुत अच्छा गेन कर पाते, हालांकि अभी भी है ना, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में भी अब नहीं है, पहले था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में किसकी बात करें, गेमिंग की, तो गेमिंग अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पर इसको अभी बेस प्लान रखा है, और यहाँ प्ले फॉर अर्न के अंदर आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पर बहुत सारे गेम होंगे जिन्हें आपको गेम को यूज करना है या लोगों को यूज करवाना है, खिलवाना है, ठीक है। यहाँ पर टीम, आप अपनी टीम बनाएंगे, बिल्ड टीम, और आपका फ्यूचर भी बनेगा, जहाँ से आप सेल्फ की इनकम ले पाएंगे, टीम से भी लेवल इनकम ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एरियस ने कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया और सिर्फ खुद के लिए बनाया, जैसे मार्केट में और भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एरियस ने हमारे लिए अपने ही सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके लाइफ टाइम तक हमें
अपॉर्चुनिटी देने के लिए, लाइफ टाइम तक अर्निंग देने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लेकर आया है, ठीक है। तो यहाँ हमारे लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी एडीएस मेंबर्स के लिए और जो नए एडीएस मेंबर बनेंगे उनके लिए, लेकिन खास करके जो पुराने जो हमारे ऑलरेडी फैमिली मेंबर थे उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। कहते हैं कि यहाँ जो प्ले फॉर अर्न हमें मिल रहा है उसमें जो भी टीम हमारी बनेगी, तो ऑलरेडी जो हमारी पहले टीम थी, हमारे जो ग्रुप हमने इस फैमिली के अंदर बनाए थे, वो हमें यहाँ पर बेनिफिट देंगी इस प्ले फॉर अर्न प्लेटफॉर्म से। ऑल जो सब्सक्राइबर होंगे मतलब वो सारे के सारे एज ए चीज उसी स्ट्रक्चर में रहेंगे जो आपके पहले से थे। अब यहाँ पर बात करते हैं व्हाट विल यू गेट फ्रॉम प्ले फॉर अर्न, सर इस प्ले फॉर अर्न से हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये 24 घंटे ओपन रहेगा, कोई टाइम नहीं रहेगा, जब आपकी मर्जी हो, रात को आंख भी खुले, टाइम पास करना है, नींद नहीं आ रही, तो सर आप इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर आप टाइम पास कर सकते हो, आप पैसा बना सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि टाइम पास कर सकते हो, हालांकि बहुत सारे लोग तो अपने फोन में जितना काम नहीं करते उससे ज्यादा तो टाइम वेस्ट करने में ही खर्च कर देते हैं अपने फोन के साथ एनर्जी वगैरह, ओके। तो यहाँ पर आपका टाइम पास करते करते पैसा भी बनाएंगे 24/7। अब 24/7 जो हम पैसा बनाएंगे वो विद इन ए मिनट 2 गुना से लेके 100 गुना तक बना पाएंगे, आप समझ रहे हो बात। यहाँ पर मिनिमम सबसे अच्छी बात ये मिनिमम 200 रुपए आपकी डिपॉजिट एंड विड्रॉल के ऊपर रखे हैं, बाकी यहाँ मुझे लगता है कुछ करेक्शन होगा, शायद राहुल सर ने बताया था 100 रुपए हैं, ठीक है, जो भी होगा 5 तारीख को क्लियर हो जाएगा। जो भी हम डिपॉजिट्स वगैरह करेंगे वो किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे UPI, NEFT, IMPS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, साथ ही साथ क्रिप्टो में। पैसा आपने जो अर्न किया है वो कभी भी 2400 घंटे कभी भी आप निकाल सकते हैं अनकंडीशनली, यानी कि ये आपको कोई बाउंड नहीं करेगा कि गेम खेलना ही खेलना है, लोगों को बताना ही बताना है। पैसा तो MLM की तरह मिलेगा, नेटवर्किंग की तरह मिलेगा बहुत सारा, लेकिन नेटवर्किंग वाले रूल्स इसके ऊपर नहीं लागू होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्किंग इसलिए नहीं करते कि सर कंडीशन होती है वो पूरी होती नहीं और हमसे नेटवर्किंग में काम होता नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। डेली अनलिमिटेड अर्निंग करेंगे, अनलिमिटेड अर्निंग कैसे, कि MLM प्लान के अंदर ऐसा होता है नेटवर्किंग के अंदर कि इनकम करते हैं तो कुछ कैपिंग्स लगाई जाती है, कंडीशन होती है कि इससे ज्यादा इनकम नहीं ले पाएंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को पूरा ओपन रखा है, चाहे जितने बनाओ आप, पर डे के लाखों रुपए बनाओ, पर डे के अनकंडीशनली लाखों रुपए लेकर जाओ, ठीक है। यहाँ पर जो गेम्स है 15+ अर्निंग गेम होंगे, ये इनिशियल स्टेज पर होंगे, आगे चल के आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बनने वाला है। आप ये नहीं कहें कि सर ये फॉर अर्न एरियस का जो प्लेटफॉर्म है प्ले फॉर अर्न उस पर ये गेम है, ये नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑल ओवर जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर गेम है सारे यहाँ पर मिलने वाले हैं, जैसे कि लाइव कैजिनो गेम्स भी मिलेंगे, फैंटेसी गेम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, AI बेस्ड गेम भी होंगे, ठीक है, जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है जिनके 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आप सभी लोग जानते होंगे। अब ये गेम हम जो खेलेंगे या लोगों को रेफर करेंगे बताएंगे, उसके 7 लेवल के स्ट्रक्चर से आपको 7 लेवल के रेफर करने पर आपको इनकम मिलेगी। कैसे, जैसे हम लोग हमारे एरियस के प्लान में 7 लेवल से डेली इनकम लेते हैं, उसी तरह यहाँ पर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी 7 लेवल से इनकम लेंगे। गेमिंग लेवल इनकम जो होगी वो आपकी सभी डाउनलाइन से मिलेगी और दोनों के लिए, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों पहला ऐसा सिस्टम होने वाला है प्ले फॉर अर्न इंडिया का, मैं ये कहूंगा चल तो बहुत सारे रहे, जो 7 लेवल से आपको बहुत जबरदस्त कमीशन देगा। और भी मार्केट में प्लेटफॉर्म हैं गेमिंग के, ठीक है, जिनको हमने लोगों को रेफर कर करके आज करोड़ों की प्लेटफॉर्म में बदल दिया है। नाम ले लेते हैं, सभी लोग जानते हैं, ड्रीम इलेवन, चुप्पी, रम्मी सर्किल, विंजो, जो कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे, उनको पैसा जाता है, बाकी जो लोग रेफर करते हैं तो वन टाइम या फिर रेफर करने वाली टीम से डायरेक्ट वालों से ही पैसा आता है, लेकिन यहाँ 7 लेवल से इनकम आएगी, बहुत ही जबरदस्त इनकम आएगी, बताऊंगा कितनी आएगी। उससे पहले देख लेते हैं और इस इंडस्ट्री के बारे में, इस प्लेटफॉर्म को क्यों लाना पड़ा, क्या हकीकत में वाकई में ये ग्रो कर भी रही है या सिर्फ महज बोल रही है ADS। देखो यहाँ पर आंकड़े ये ADS ने नहीं बल्कि गूगल ने बताए हैं कि 2017 से लेके लास्ट ईयर 2022 तक ये इंडस्ट्री $125 बिलियन की हो चुकी है। $125 बिलियन शुरुआत आप देखेंगे महज 0 से 25 बिलियन की थी 2017 में। हमारे देश में जब
जियो इंट्रोड्यूस हुआ था और आज भी पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे देश में, खाने से भी सस्ता अगर देखा जाए, एक दिन की कॉस्ट निकाले इंटरनेट की तो खाने से भी सस्ता है इंटरनेट। ऑनलाइन गेमिंग बिलियंस डॉलर की हो चुकी। आप कहेंगे सर मैं गेम नहीं खेलता, लेकिन आप ड्रीम इलेवन का नाम जानते हैं, रमी सर्कल का नाम जानते हैं, जो पी विंजो बहुत सारे गेम है, ये तो बहुत पॉपुलर गेम्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर बच्चा बच्चा जानता है इन गेम्स के बारे में, आप खेले या ना खेले इस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है और आगे भी लगातार बढ़ती रहेगी। क्यों इस इंडस्ट्री के अंदर ये हम लोग काम कर लें, इसीलिए एडीएस ये प्लेटफॉर्म लेके आया है ताकि 2023 के जो आंकड़े आए, जैसे 125 बिलियन डॉलर से हो सकता है कि 500 बिलियन डॉलर हो जाए 2023 से, ये साल खत्म होते होते, तो उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे प्लेप और अर्न की हो और वहां पर अर्नर हम, ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बत्री एरियस मेंबर हैं उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्ले फॉर अर्न एंड यू विल डेफिनेटली प्ले, ये थोड़ा सा ठीक है, डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं, बस टाइम है दोस्तों प्रेजेंटेशन का, सारे अभी याद नहीं है, डायरेक्ट अर्निंग पे आते हैं। आई होप कि अब तक जो मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया वो आपको समझ में आया हो, गेमिंग प्लेटफॉर्म प्ले फॉर अर्न हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में, ठीक है, अर्निंग कैसे होगी इसको समझते हैं। आप जब भी इस सिस्टम पे इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, किसी को भी रेफर करेंगे बताएंगे, वो जो भी गेम खेलेगा उसका 1% ऑलवेज आएगा, लाइफ टाइम तक आएगा, चाहे वो आज गेम खेले चाहे वो एक महीने बाद खेले, कोई बाउंडेशन नहीं है, या भी वो हर दिन खेले, जब भी गेम खेलेगा चाहे वो गेम में पैसा लूज करे या विन करे, आपको तो 1% आएगा ही आएगा। इसके बाद दूसरे लेवल से लेकर सातवें लेवल तक जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों से 0.5% आएगा, चाहे वो पैसा जीते या हारे, गेम खेलने पर डायरेक्ट आपको ये पैसा आपके पास आने वाला है अनकंडीशनली। ओके, आगे बढ़ते हैं सैलरी। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर, जैसे हमारे पास फोन में पहले किसी नए प्लान के आने पर मैसेज पीडीएफ स्क्रीनशॉट आते थे, कोई भी कंपनी आई सर नई कंपनी आ रही है स्क्रीनशॉट आते, सर देखो डेली की इनकम इतनी हो गई, इतनी मेरी टीम देने का एक्टिवेशन हुआ। आजकल आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि गेमिंग के बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह आ रहे हैं, पर नहीं भी आ रहे तो सोशल मीडिया पे देखा होगा बहुत सारे प्रमोशंस उसके चल रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि यहां से लोग डेली सैलरी भी कमा रहे हैं। अब लोग महीने का इंतजार नहीं करना चाहते, 15 दिन का इंतजार नहीं करना चाहते, डेली की डेली इनकम चाहिए। हालांकि डेली इनकम में एरियस ऑलरेडी इतिहास लिख चुका है, बना चुका है, लेकिन एक ये जब गेमिंग प्लेटफॉर्म आने लगे मार्केट में एरियस के बाद डेली इनकम देने वाले, तो यहाँ पर हम कहाँ कम थे, हम तो ऑलरेडी इतिहास बना चुके थे, अब एक नहीं दो प्लेटफॉर्म से हम डेली इनकम देंगे। तो गेम से सात लेवल से इनकम तो बता दी मैंने, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म की दूसरी कि आप दूसरी इनकम है कि आप डेली सैलरी भी यहाँ से ले पाएंगे। वो किस तरह से है कि आपके पहले लेवल पर 10 लोग एक्टिव होने चाहिए, यहाँ से आपको 500 रुपये पर डे सैलरी मिलती, ठीक है, 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये पर डे तक आप ले सकते हैं। अगर 20 एक्टिव हैं आपके तो 1,000 पर डे मिलेंगे, 30 एक्टिव है तो 2,000, 50 पर 4,000, 80 एक्टिव हैं तो 7,000 और 100 लोग अगर डायरेक्ट में एक्टिव हैं तो 10,000। इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर मेरे पास वो वाली पीडीएफ, सॉरी गलती से ओपन नहीं हुई, यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज मेंशन है, शायद वो पीडीएफ मेरे पास है लेकिन गलती से ये वाली ओपन हो गई, मैं बोल के बता देता हूँ आप लोगों के पास, ये किस तरह से मिलेगी आपको इनकम, इसके लिए 10 एक्टिव होने चाहिए और आपके पहले लेवल की जो इनकम 1% आपको आ रही है, वो पहले लेवल की इनकम आपकी 100 रुपये होनी चाहिए, यानी कि आपके हर एक पर्सन की 10,000 की ट्रेड, 10,000 की गेमिंग होनी चाहिए पर डे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये इतनी टीम बनाना तो बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी जो सिस्टम मार्केट में चल रहे हैं वहां पर लोग सैलरी ले रहे हैं, अगर वो भी यही सोचते कि सर बहुत मुश्किल है नहीं बनेगी तो शायद उनके स्क्रीनशॉट अभी नहीं आ रहे हो, जबकि उन्होंने शुरुआत जीरो से की। यहाँ पर एरियस में ऑलरेडी लाखों लोगों की कम्युनिटी है, लोग लाखों लोग करोड़ों लोग ऑलरेडी एरियस को जानते हैं और प्लेटफॉर्म के अंदर मैं कहता हूँ कि अगर दम होगा, अगर ये आपको सर्विस देंगे, अच्छे गेम होंगे, ठीक है, तो आप तो नहीं भी बताएंगे तो भी लोग ऑलरेडी सिस्टम पे आएंगे और सिस्टम
आने के लिए किसी न किसी की रेफरल आईडी या रेफरल लिंक की जरूरत होती है। तो आप अगर सिंपली रेफरल लिंक को प्रमोट भी करेंगे और अगर कोई जानता होगा तो वो आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके 100 लोग ज्वाइन कर गए। तो यहाँ पर अगर 100 लोगों पर 10,000 की सैलरी आती है तो ये मत सोचिएगा कि सर 100 लोग कहाँ से करूंगा, ऑलरेडी होंगे। जब दूसरी सिस्टम जीरो से शुरुआत करके कर सकती है तो हम तो ऑलरेडी लाखों लोगों के कम्युनिटी लेकर बैठे हैं, ऑलरेडी इन हाउस सारा प्रोडक्शन है। कैसे इन हाउस प्रोडक्शन है, आप लोगों को पता है कि राहुल सर खुद आईटी पर्सन है, खुद की आईटी टीम है, खुद का मैनेजमेंट सिस्टम है, लोगों पर डिपेंड नहीं रहना है। मैं आप लोगों को बता दूं जितने भी सिस्टम चल रहे हैं वो आईटी कंपनीज से कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे अपना डेवलपमेंट करवाते हैं, उनसे अपनी सर्विसेज को एग्जीक्यूट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें इन हाउस होने वाली है, तो उनसे बेहतर सर्विस और उनसे बेहतर बेस्ट आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट फॉर ऑल ओल्ड एरिया सब्सक्राइबर, के जो ओल्ड सब्सक्राइबर है, पहले से फैमिली मेंबर है, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर ही आपको बताया कि टीम उनकी बनी हुई है, 20 लाख से ज्यादा कम्युनिटी है, डेली सेल्फ इनकम आपको मिलने वाली है जो हम सबकी प्यारी है, लेवल इनकम और सेल्फ टास्क इनकम। ठीक है, यहाँ पर अब सिंपली आपको नया प्लेटफॉर्म जो आ रहा है उस पर एंट्री लेनी है। ठीक है, 1,000 रुपए से, जो कि आपको 1,000 रुपए गेमिंग बोनस के रूप में वापस मिल जाएंगे। एरियस के अंदर 1,000 से एंट्री नहीं लेनी, नए प्लेटफॉर्म पर लेनी। और ये भी क्यों, मैं लास्ट मीटिंग में बता चुका हूँ कि ये एक छोटा सा बच्चा है जो हमारे फैमिली में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसकी हमें केयर करनी है और इसका कंट्रीब्यूशन हमें देना है। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर बहुत छोटा है, 100 रुपए फ्रेशर के लिए, और जो फ्रेशर से ऊपर वाले रहेंगे उन्हें 1,000 रुपीज। और यहाँ पर 1,000 भी नहीं, लॉन्चिंग से 10 दिन का टाइम मिलेगा, 800 रुपए से आप डिपॉजिट करके दोनों प्लेटफॉर्म की अर्निंग स्टार्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है एडीएस का प्लान। अभी तक मैंने जो भी आपको बताया वो था गेमिंग प्लान, और गेमिंग प्लान से एंटर होके आप एडीएस के लेवल प्लान और गेमिंग प्लान दोनों की अर्निंग करेंगे। अब यहाँ अगर कोई न्यू पर्सन आता है या हम किसी नए पर्सन को ज्वाइन कराते हैं तो उसका ज्वाइनिंग अमाउंट 1,000 रुपए ही रहने वाला है, जिसे 20 रुपए डेली इनकम के रूप में, टास्क इनकम के रूप में मिलेंगे 100 डेज। अब टास्क यहाँ पर क्या होने वाला है कि हमारा जो प्ले फॉर अर्न है वहां पर 1 रुपए की गेम उसे रोज खेलनी है। अब 1 रुपए की गेम खेलने के लिए सिस्टम एरियस कंपनी उसे 100 रुपए का गेम बोनस 1,000 की ज्वाइनिंग पर देने वाला है। जब भी किसी नए पर्सन को आप 1,000 से ज्वाइन कराएंगे तो उसे 100 रुपए का गेम खेलने के लिए गेम बोनस मिल वॉलेट में 100 रुपए मिल जाएंगे। तो रोज के 1 रुपए का गेम खेलेंगे तो उन्हें 100 दिनों तक वो कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पर 20 रुपए टास्क इनकम उन्हें मिल जाएगी। अब यहाँ फ्री एंट्री फॉर फ्रेशर, ये मैं बता चुका हूँ लास्ट में, जो पहले से कम्युनिटी में है और फ्रेशर जिनके 10 डायरेक्ट नहीं हुए थे, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए से भी आ सकते हैं। अब मैं ये कहूंगा दोस्तों कि हर एक फैमिली मेंबर के लिए कितना सोचती है, अब आप खुद सोच कर देखिए। कुछ फ्रेशर्स भाई कह रहे थे कि सर हमारे लिए भी सिस्टम में कुछ अभी है या नहीं है, क्योंकि हमारी टीम तो थी नहीं। अब जिनकी टीम थी वो लोग तो सर एक्टिवेशन करेंगे, है ना, वो लोग टीम एक्टिवेशन करेंगे, उनकी लेवल इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। हम तो फ्रेशर थे, हमारी तो टीम थी नहीं, तो ना तो वो लोग करेंगे ना हम करेंगे। तो उनके लिए राहुल सर ने सिर्फ 100 रुपए से एंट्री दी है कि सर आप सिर्फ 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए के बदले में आपको 100 रुपए एज इट इज गेम में मिल जाएंगे, आप रोज 1 रुपए का गेम प्ले कीजिए और आपको रोज के 20 रुपए टास्क इनकम के मिल जाएंगे। 100 दिन पड़े हैं आपके पास, 100 दिनों में 2 डायरेक्ट कर दीजिएगा और बाकी के जो 900 रुपए पेंडिंग है, 900 का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा ना, अभी आप 100 से आए हो, 900 रुपए डिपॉजिट करके वो भी 900 एज इट इज आपको फिर से मिल जाएंगे गेमिंग में, आप अपना विड्रॉल ले लीजिए। ठीक है, डेली लेवल इनकम कैसे आएगी, सभी लोग जानते हैं 7 लेवल से हमें डेली की इनकम आती है। पहले लेवल से लेकर तीसरे लेवल तक, पहले दूसरे और तीसरे लेवल की हर एक टीम मेंबर से 2-2 रुपए रोजाना के आएंगे। चौथे लेवल से लेकर 7वें लेवल की जितनी भी टीम होगी हर एक मेंबर आपको 1 रुपया रोजाना देगी। ठीक है, इस तरह से पूरे 7 लेवल से रोजाना आपको इनकम आएगी, बस आपको 7 लेवल के लिए 7 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना कंपलसरी। एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सभी लोग अर्निंग कर चुके हैं, 1,00,000 रुपए प्लस भी पर डे के ले चुके हैं। तो कैसे पॉसिबल है, समझते हैं कैलकुलेशन से, कि महज 10 लोगों को सिस्टम में आप लाए, सिर्फ 10 लोगों को, और सिर्फ 10 के ही डुप्लीकेशन पे काम किया। आप 10 लोगों को लाए,
कहा कि सर मैं आपके साथ हूँ, 10 लोगों को मीटिंग में लाइए, लोगों के साथ पर्सनल ग्रुप मीटिंग कीजिए, घर जाकर आप उनसे बात कीजिए, टारगेट ये रखना है कि हम 10 लोगों को लाए हैं, आप भी 10 लोगों को लेकर आए, मैं आपके साथ। तो ये डुप्लीकेशन अगर 10 का होता है तो यहाँ आप ये पहले लेवल से 2 रुपए यानी कि 20 रुपए रोजाना, दूसरे लेवल पर 100 लोग यानी कि 200 रुपए रोजाना, तीसरे लेवल पे 1000 लोग यहाँ से भी 2 रुपए आएंगे यानी कि 2000 रुपए रोजाना, फिर आगे 1-1 रुपए है तो आप देखेंगे 10,000, 1,00,000, 10। समझ में आया बस, इस तरह से 1 करोड़। अब एक और चीज समझ में आती है कि सर ये सिर्फ कैलकुलेशन है, बोलने में और कॉपी पेन पर ही अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। तो मैं मानता हूँ कि नेटवर्किंग में या दुनिया में कहीं पर भी 100% काम तो नहीं होता, कहते हैं ना 100% काम नहीं होता। कुछ लोग कहते थे पहले कि मैथ्स में या दूसरे हिंदी जो सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश जो सब्जेक्ट होते हैं, उनमें 100% नंबर 100 में से 100 कभी नहीं आते। लेकिन पिछले कई सालों से हम लोग ये भी देखने लगे हैं कि 100 out of 100 ही मिले हैं। तो सर ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि 100% काम नहीं हुआ। अगर आपका 100% काम नहीं हुआ और 50% की तो संभावना है, 50% तो होगा, 50% भी नहीं, परसेंट भी अगर आपका काम होता है ना दोस्तों, तो 10 लाख तो पर डे के ले सकते हो। चलो 10% भी नहीं, अगर ये 10 का डुप्लीकेशन ओनली 1% भी काम कर गया तो भी 1,00,000 रुपए पर डे तो ले सकते हो सर। मैं नहीं कहता कि 100% काम होगा, 1% भी हुआ ये 10 का डुप्लीकेशन तो भी 1,00,000 पर डे आप यहाँ से लोगे, इस सिस्टम से लोगे। अब रैंक एंड रिवॉर्ड, अब दोस्तों रैंक यहाँ पर 7 रैंक रखी गई है जिसके अकॉर्डिंग आपकी डेली की इनकम आपकी टीम से जो मिलेगी वो डिसाइड होने वाली है। प्रेशर आप होते हैं जब सिस्टम में आते हैं, आपके साथ कोई भी नहीं होता, लेकिन आप जब तक 10 लोगों को नहीं ले आते तब तक के प्रेशर रहते हैं। 10 लोगों के लाने के बाद आप काम स्टार्ट कर चुके होते हैं, आप स्टार्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो आप जब सिस्टम आएंगे आप 400 रुपए पर डे सिस्टम से ले पाएंगे, उसके बाद 10 लोगों को अगर ले आते हैं तो आप यहाँ पर 750 रुपए लेने के हकदार हो जाते हैं हर दिन के, 400 से बढ़ के 750। और स्टार्टर बनते ही सिस्टम एडीएस कंपनी आपको 500 रुपए का रिवॉर्ड देती है। इसके बाद ब्रॉन्ज नेक्स्ट रैंक है जिसमें सेकंड लेवल पर 50 लोगों की टीम होती है आपकी, आपको 1,000 रुपए रिवॉर्ड के मिलते हैं और 1,500 रुपए आप रोजाना ले पाएंगे। ये जो है ये कैपिंग 400 से शुरू होती है और 15,000 पर डे तक आप यहाँ पर सिस्टम से ले सकते हैं। इसी तरह सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड और क्राउन बनेंगे। पर्टिकुलर लेवल पर आपकी टीम होनी चाहिए, तीसरे लेवल पर 300, चौथे पर 1,000, पांचवे पर 5,000, छठे पर 20,000 और सातवे पर 50,000 टीम। यहीं पर आपको रिवॉर्ड मिलते जाएंगे वन टाइम और आपकी इनकम बढ़ती बढ़ती 400 से बढ़ के 15,000 पर डे तक हो जाती है। ओके, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोग प्लेटिनम, डायमंड एंड क्राउन बन चुके हैं, एंड सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड की तो गिनती ही नहीं। तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, कोई नया सिस्टम अगर आएगा तो उसमें किसी ने रैंक अचीव नहीं की होगी, उनको किसी ना किसी को फर्स्ट टाइम अचीव करनी होगी, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी लोग कर चुके हैं। तो हमें ये विश्वास है, हमें ये मोटिवेशन है कि हाँ यार कर चुके हैं तो इसका मतलब इजीली कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और हर किसी को आप ये बताएंगे, और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो सर आपको भी ये यकीन करना पड़ेगा क्योंकि हो चुका है इसी सिस्टम के अंदर। अब एक और चीज है, आप जैसे जैसे रैंक अचीव करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे सिस्टम के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाए, आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो घबराइए मत, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं है, पहले और दूसरे रैंक पर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, पहले और दूसरे रैंक यानी फ्रेशर और स्टार्टर पर जो भी अर्निंग करेंगे आप घर लेकर जाइए सारी की सारी अर्निंग। लेकिन जैसे ही ब्रॉन्ज बनते हैं यानी कि 1,500 रुपए रोजाना कमाने लगते हैं, 1,500 रुपए रोजाना अगर आपकी इनकम होती है तो सिस्टम कहता है 5% सिस्टम को कंट्रीब्यूट कीजिए और किसको देना है वही उस छोटे से बच्चे को जो 5 तारीख को पैदा होगा। समझ रहे हो बात को, जो 5 तारीख को पैदा होने वाला है यानी हमारा प्ले फॉर अर्न, वहां पर 5% उसके बड़े होने तक खाने पीने एजुकेशन है ना उसकी केयर के लिए वो 5% आपको देना है, और बदले में उस 5% के कंट्रीब्यूशन पर एडीएस ग्रुप, एडीएस इकोसिस्टम ही मिलकर आपको रिटर्न में 5% का 500% देने वाला है। कैसे कि आपने 100 रुपए कमाए, 5 रुपए आपने प्ले फॉर अर्न को दे दी, यानी कि आपकी 100 रुपए की कमाई से 5 रुपए प्ले फॉर अर्न पर जाएंगे और उस 5 रुपए से आपको गेम खेलना है। अब गेम खेलकर 5 रुपए से आप 50 रुपए भी बना सकते हैं और 50 रुपए के गेम खेल के 500 रुपए भी बना सकते हैं। तो होगा क्या, वो
5% आपका 500% में भी बदल सकता है। ओके, अगर आप अगले रैंक पे जाते हैं सिल्वर पर, तो फिर आपको 10% का कंट्रीब्यूशन देना है। भाई एक्चुअल में इस इकोसिस्टम का बेस प्लान क्यों रखा है कि प्रेजेंट टाइम में जो इंडस्ट्री, जो प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं वो गेमिंग प्लेटफॉर्म। तो अपना अगर ये गेमिंग प्लेटफॉर्म ग्रो होगा तो इकोसिस्टम का एडीएस का एक रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू जनरेट होगा तो फिर उसका बेनिफिट हम सबको मिलेगा, जिससे हम एक लॉन्ग टाइम तक, समझ रहे हो बात को, तो हम सब लोग मिलकर ही इसे सपोर्ट करेंगे, वहां पर रेवेन्यू जनरेट करेंगे और हम सभी लोग वहां से अनलिमिटेड अर्निंग करेंगे। इसी तरह से आगे जैसे जैसे रैंक बढ़ती है, 10% 15 20 25% तक आपकी इनकम गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जाती है, जो मुझे नहीं लगता किसी को ऐतराज होगी। 100 रुपए में से भी अगर 25 रुपए जा रहे हैं तो उस 25 रुपए से आप 25,000 भी बनाएंगे, बाकी 75 तो आ रहे हैं ना, और ये आपके लंबे समय तक आए तो ये बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट इनकम है प्रीमियम इनकम। दोस्तों बहुत ही मजेदार इनकम है, जब हमारी टीम बढ़ती है तो टीम को फंड्स वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए अगर सिस्टम हमें एक्स्ट्रा इनकम दे रहा है तो ये हमारी अलग से इनकम होती है जो आपको 10% तक मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी में डिपॉजिट देना है, आप देख पा रहे होंगे ट्रॉन और यूएसडीटी, और मिनिमम 30,000 रुपए का, यहाँ पर सॉरी $400 का है, ठीक है, $400 का आप अगर फंड लेते हैं, लगभग 30,000 के आसपास ही होता है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो आपकी अलग से कमाई हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को, प्रीमियम इनकम को। अब टर्म्स एंड कंडीशन, वैसे मुझे नहीं लगता कि सिस्टम में कुछ है, लेकिन फिर भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन इतने भी टर्म्स एंड कंडीशन ना हो जो यूजर पूरे ही ना कर पाए। कोई भी सिस्टम जब मार्केट में आता है तो दो वजह से टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है, कोई भी कंपनी, या तो वो पैसा देना ही नहीं तो वो टर्म्स एंड कंडीशन इतनी हेवी लगा देगी कि यूजर पूरी नहीं कर पाएगा। दूसरी वो सिस्टम या कंपनीज होती है जो एक अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत नॉमिनल टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो सिस्टम के लिए जरूरी होती है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको डिसाइड कीजिएगा। जैसे मिनिमम विड्रॉल 500 रुपए है, कोई कंडीशन नहीं है, वन मेल आईडी से वन आईडी क्रिएट होगी, 5% डिडक्ट होगा आपका अगर अपनी इनकम से आप किसी की आईडी प्लेस करते हैं तो, 10% डिडक्शन होगा अगर आप इनकम अपने बैंक में लेते हैं तो, डेली पे आउट है, और 2 डायरेक्ट करना मैंडेटरी है विड्रॉल की। अब तो देखिए दोस्तों, आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, गेमिंग इंडस्ट्री के, जहां पर क्या करोगे, टीम बनाओगे, बहुत बड़ी टीम बनेगी तब जाके पैसा आप वहां पर कमा पाओगे, नहीं तो खुद के गेम से खुद के। एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि नेटवर्क बनाना है आप, तो आप अगर सिर्फ 2 लोगों को भी लेकर नहीं आ सकते तो फिर सर आप सिस्टम में आएंगे क्यों, ये बताइए, आप खुद नहीं आएंगे। तो ये 2 की भी जो लोगों को कंडीशन लगती है, एक्चुअल में ये कंडीशन है नहीं, ठीक है, जो भी इनकम करेंगे उसके लिए आपको 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है एडीएस प्लेटफॉर्म पर, एक डायरेक्ट करना है यू कैन मूव इन गेम वॉलेट, आप एक डायरेक्ट कर सकते हैं गेम वॉलेट का, ये मैं सबसे थोड़ा सा कंफर्म करूंगा, एक्चुअली कल मैंने कंफर्म नहीं किया, बाकी जहां तक मुझे पता है वैसा ही है कि आप या तो 2 पुराने पर्सन आपके साथ हैं उनको गेमिंग प्लेटफॉर्म पर वॉलेट में आप डिपॉजिट करा के गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक्टिव कीजिए तो भी आपकी कंडीशन विड्रॉल की पूरी हो जाएगी, या 2 नए पर्सन को भी एडीएस पर एक्टिवेट कराइए तो भी विड्रॉल की कंडीशन आपकी पूरी हो जाएगी। बाकी राहुल सर और विक्रम सर, आप सभी लोग जानते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे विक्रम सर हैं जो आपकी आईटी को संभालते हैं, आपके पीछे बैकएंड में पूरे सपोर्ट को संभालते हैं। अब दोस्तों ये प्लेटफॉर्म प्ले फॉर अर्न, मैं आपको बता चुका हूँ पूरा का पूरा एज इट इज, आपका एडीएस में दिल से स्वागत। दोस्तों अगेन नमस्कार, आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा जो भी वीडियो के माध्यम से राहुल वर्मा सर के द्वारा जो प्रेजेंटेशन आपके सामने रखी गई है, आशा करता हूँ बहुत ही बेहतर और बेहतरीन और आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही अच्छी खासी इनकम देने लायक ये प्लेटफॉर्म बन गया है, जो कि 5 सितंबर को बहुत ही जल्दी हमारे सामने लाइव मिलेगा और हम सभी उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने ऑल मेंबर्स तक जरूर से ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी जानकारी हो और वो आपकी जो भी बनी बनाई टीम है अपनी ये सारी जानकारी के माध्यम से उन्हें एक्टिव किया जाए और वो भी इनकम लेने के लिए यहाँ पे आए, जो कि सबसे ज़्यादा बेचारे परेशान हो रहे थे हमारे फ्रेशर, उनके लिए सोने पे सुहागा है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, आप देख ही पा रहे हैं।
कि मात्र 100 रुपीज़ पे करके उनको स्टार्ट कर देना है, तो फ्रेशर के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जितने भी स्टार्टर और ऊपर रैंक के हैं उनके लिए तो बनी बनाई टीम हमारी आज यहाँ से कंप्लीट होने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप हर एक मेंबर्स, हर एक लीडर्स तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि आपकी टीम का ग्रो हो और आपको ADS फैमिली के अंदर सहयोग भी करना हो और अच्छे खासे आप यहाँ से एक टीम इनकम ले पाएँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय ADS।